Okay, we have another doubt to be discussed here from AOD. Let's see. Find the equation of the tangent to this curve, which is parallel to this line. Fantastic. So first of all, I'll see what is the slope of this line, the given line. And I know that the slope of the line is always given as coefficient of x upon coefficient of y with and along with the minus sign. Okay, coefficient of x upon coefficient of y with a minus sign. So this is coming out to be plus 2, right? The slope of the line given is coming out to be plus 2. So if this is the slope, I also realize that the tangent that we are looking for is parallel to this line. That means the slope would be exactly equal to 2. So if I differentiate this with respect to x, what do we get? Dy by dx is equal to 1 by 2 under root of 3x minus 2. And along with a 3 in the numerator. Now, as per the question, this has to be equal to 2 as it is parallel. Whenever the lines are parallel, the slopes are equal. So I get this 3 is equal to 4 times under root of 3x minus 2. Okay. Squaring both sides, 9 is equal to 16 times 3x minus 2. So x ki value kitni aa rahi hai? Ye mere paas 9 by 16 aa gaya. प्लस टू किया मैंने इज इक्वल टू थ्री एक्स आ गया और यहां अगर मैं एक्स देखता हूं तो एक्स कितना हो गया 32 और प्लस 9 आई थिंक 41 और इधर कितना आ गया 48 आ गया तो एक्स की वैल्यू हमें ये मिल जाती है 41/48। ठीक है, एक बार ही चेक करते हैं तो जनरली इस तरह की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए बट हाँ फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो पैरेलल है तो हमने पहले स्लोप देखा x अपॉन y, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, तो हमारे पास ये कितना आ गया परफेक्टली 2 आ गया, कोई टेंशन नहीं। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया 1 by 2 3x minus 2 और ऊपर चेन रूल लगाया तो मैंने 3 लिखा और ये इधर 4 टाइम्स हो गया 3x minus 2। बिल्कुल सही लग रहा है यार, कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। और ये 9 हो गया, 16 हो गया और ये हमारे पास 3x minus 2 हो गया। मैंने मैं 16 इधर किया, प्लस 2 इधर हो गया है ना, बिकॉज माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो 32 और 9 41 41/16 और ये 3 जगह 48, बिल्कुल सही है यार, इट इज फाइन। ओके, अब हमें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, मतलब वी नीड द y एज वेल, है ना। तो y इज इक्वल टू व्हाट द गिवन फंक्शन इज, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x, सो आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, 41 into 3 इज कमिंग आउट टू बी 123 अपॉन 48। ओके, आई कुड हैव डन वन मोर थिंग, एज इट इज मल्टीपल ऑफ 3, व्हाई नॉट कैंसिल इट, राइट। So when I do 3 times of 41 by 3, I should be writing it as 41 upon 16. है ना, 48 का 16 3 is 48, तो मैं वो cancel करना चाहूँगा। Minus 2 करता हूँ, तो ये value आ जाती है मेरे पास 32। अच्छा 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 32। तो 32 अगर मैं इसमें से subtract करूँगा 41 में से, तो मेरे पास 9 आ जाएगा। तो 9 by 16 यानी कि 3 by 4, ठीक है? So there the point of वेयर इट विल बी पैरेलल, वो पॉइंट मुझे पता लग गया। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है मेरे पास 41/48, 3/4, दिस इज द पॉइंट। एंड व्हाट इज द स्लोप? द स्लोप इज 2। सो व्हाट इज द इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 व्हिच इज 41/48। दैट्स ऑल। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं टू गेट द फाइनल आंसर। 4y minus 3 upon 4 is equal to 48x minus 41 upon 48. अगर हम लोग कैंसिल करना शुरू करें तो ये 24 से जाएगा, ये फिर से 6 से जाएगा और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके खत्म करो यार, देखो कितना हो रहा है। 24y 24y है, 6 थी 18 और माइनस 18 इज इक्वल टू 48x एंड माइनस 41। सो यहाँ पे आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट करके रख दो, 48x माइनस 24y। ये 4 क्यों छूट रहा है भाई, माइनस 24y, और इधर जब लेके आएंगे तो 41 में से 18, चलो 41 में से अगर मैं 20 घटाता तो 21 होते, तो दो ज्यादा घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएंगे, तो माइनस 23, ठीक है।
So this would be the final equation of tangent. Just let me know if you get that. Jaldi se batao. Okay, let's do this case study from maxima and minima AOD, and would like to discuss it in detail. This is the function. Px is the total profit function of a company where x is the production of the company. Okay. Answer the following questions using the above information. What will be the production when the maximum profit? Okay, maximum profit pe iska production kitna hoga? Theek hai. So x is the production. ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ. सबसे पहले तो हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमम अगर कुछ भी होता है तो वहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाता है. तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स, है ना. ये कितना हो जाएगा? माइनस टेन एक्स, फाइव टू जा टेन, ठीक है, माइनस टेन एक्स और प्लस एक सौ पच्चीस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 125 बाय 10, यानी कि 12.5. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट वी आर गेटिंग. अच्छा, प्लस का है ना, दिस प्लस का. तो इन्होंने क्या बोला था, फाइंड द व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम. अच्छा देखो, एक चीज और सोचने की है कि ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्या मिनिमा है. तो तुम्हें साफ साफ दिखता है कि p डबल डैश x अगर मैं करूंगा तो मेरे पास माइनस 10 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है हमारे पास? 12.5 पे. ओके, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट? तो कुछ नहीं करना यार, इसी फंक्शन में उठा करके वैल्यू रख दो, है ना. ये फंक्शन है ना आपके पास, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 125x प्लस 37500. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, p 12.5 कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट दिस. ठीक है, आई एम नॉट डूइंग इट, यू कैन डू दैट. ओके, ठीक है, अलग कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो हम कर डालेंगे, वरना कोई चक्कर नहीं. चेक इन द इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कहाँ पे इंक्रीजिंग है? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं. तो अगर मैं इसका p डैश x जरा एक बार यहाँ फिर से लिख लूँ, तो ये आ रहा था मेरे पास माइनस टेन एक्स प्लस 125. तो अगर मैं 12.5 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है, अगर मैं लेट से 13 रखता हूँ तो ये मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, और 13 से पहले अगर लेट से मैं 1 रखता हूँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है. ओहो, इसका मतलब ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. हमारा जो प्रॉफिट है ये स्ट्रिक्टली कब इंक्रीज हो रहा है? 12.5 से पहले. तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो से लेके 12.5, क्या बोलूंगा मैं तो डी बोलूंगा. अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 12.5 क्यों नहीं हो गया? बिकॉज प्रोडक्शन है ना, तो प्रोडक्शन कभी निगेटिव में नहीं जा सकती. ठीक है, तो कहाँ तक जाएगी? जीरो से लेके 12.5 तक. ये थोड़ा सा बेटर सवाल था, आई होप यू गेट इट. When the production is two units, what will be the profit of the company? अच्छा, जब दो यूनिट है तो फिर यहाँ टू रख दो ना, कितना हो जाएगा बताओ? पाँच और चार माइनस बीस, और इधर दो रखा तो हो गया 250, और इधर कितना आ गया भाई? ये आ गया 37500. ये तो पहले से ही है ही दे रखा. ठीक है, ये जीरो टू प्रॉफिट फंक्शन. तो इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो इसमें से 230 ऐड कर दो. अगर 230 ऐड कर दें तो 37,730, that is there. Okay, last question, what will be the production of the company when the profit is this much? Okay, no problem. अब क्या करोगे, इसको उठा करके इसके बराबर रख दो. आओ चलो मैं कर देता हूँ. लास्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ. सो आपके पास तो बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं आपके पास, राइट. इससे और अच्छे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और हम लोग अभी जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले एक दो दिन में, आपको कोशिश करना है कि वो सारे टेस्ट आप प्रॉपरली करो, और उसमें जो भी डाउट्स आएंगे आप ऑफिशियल ग्रुप पे बताओगे, एंड आई विल सर्टेनली डिस्कस देम. ठीक है, सो लेट्स लुक हियर. यहाँ पे अगर मैं इसको एक फंक्शन बना लूँ, तो ये मेरे पास माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 125x है, और इसको अगर इस तरफ लेके आ जाऊं तो माइनस हो जाएगा. कितना होगा? 38,000 में से 37,000 किया तो 1,000, और ये 250, तो ये 1,250 रुपये बन रहे हैं नेगेटिव के, है ना. माइनस फाइव से डिवाइड करता हूं तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 25x, और इसको जब
माइनस फाइव से किया तो ये आ गया टू, और फाइव टू फिफ्टी, ठीक है। अच्छा जी, 250 है, तो अब ये 250 कैसे बनाया जाए। हमारे पास है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 25, फैक्टराइज ही तो करना है, फैक्टराइज करना है। तो 30 और 5, ना ना 150 बनेंगे, 15 और 10, ये हमारे पास डेटा इज नॉट सफिशियंट टू फाइंड। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रॉफिट इज दिस मच। अच्छा, हमने प्रॉफिट को इक्वेट किया, राइट, इसके बराबर किया तो अरे यार गड़बड़ कर दिया, सब्सट्रैक्ट करने में गलत है, आई एम सो सॉरी, आओ ठीक करता हूँ, राइट। देखो ये गलत कर दिया ना, ये सब्सट्रैक्शन गलत है, बाकी सब कुछ सही है, बस सब्सट्रैक्शन थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। आओ देखो, वही मैं सोचूं ऐसा कैसे हो रहा है कि फैक्टराइज ना हो, है ना। एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको जनरली ऐसे वैल्यूज ही मिलेंगे जो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो सोचने की जरूरत यह है कि 38,000 में से 37,000 जाएगा तो 1,000, और 500 में से 250, मतलब ये तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो कितना बचेगा, 750 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, ये 750 आएगा, ये दिस इज 750, एक बार चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास 750 हो जाएगा। अब की बार अगर मैं माइनस फाइव से इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और पांच से किया तो ये हो जाएगा 15, है ना, तो प्लस 150, अभी सही है। अब मेरे पास ये एक्स इज इक्वल टू 10 और 15, दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि व्हेन विल बी द कंपनीज प्रोडक्शन इज दिस मच, तो यहाँ क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 15 30 2, डेटा इज नॉट सफिशियंट टू फाइंड, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। 10 भी सही है, 15 भी सही है, मैं यहाँ पे 15 मार्क कर दूंगा, राइट। आई वोंट से दैट डेटा इज नॉट सफिशियंट, डेटा इज सफिशियंट, राइट। एक्स हैज टू बी ईदर 10 और 15, ठीक है, ईदर 10 और 15, क्योंकि 15 इज देयर इन द ऑप्शन, आई विल गो विद 15। आई होप यू गेट इट, एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स।